जेठा जी। या सुबह सुबह इस तरफ कहाँ से? वो मैं जरा भीड़े भाई के वहाँ गई थी। क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, बस मेंटेनेंस का चेक देने गई थी। अच्छा अच्छा वैसे आपने भी अपने आप को गजब का मेंटेन करके रखा है बबीता जी। माफ भी ना जेठा जी। नहीं नहीं, जो सच है वो तो है, तो होता है ही भाई, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। ओके चलो मैं चलूं। बस जाना ही है। हाँ, मुझे जरा आईएट के लिए सूट पीस लेने जाना है। अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके जाता हूँ। मुर्गी जटा मार्केट में मेरा खास दोस्त की दुकान है, प्रेमजी भाई की। उसका यह सूट पीस का ही बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ, मैं आपको होलसेल भाव में दिला दूंगा। फिर क्या, उधर जाएंगे कपड़ा खरीदेंगे, उसके बाद उधर वो प्रिंसेस में दबा बाजार है ना, उधर पैटीज बहुत बढ़िया मिलती है, तो पैटीज खाएंगे और फिर उधर से वो मेन रोड पे और प्रिंसेस स्ट्रीट पे वो डेयरी की कुल्फी मिलती है। देखो अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चलो मजा आएगा, चलो चलो। ओह वाओ, ग्रेट। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। चलो बबीता। अय्यर, हमारे लिए गुड न्यूज है, जेठा जी भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनका कोई फ्रेंड का शॉप है जहाँ से वो हमें सूट पीस होलसेल प्राइस में दिला सकते हैं। ग्रेट ना। तो बबीता तुम्हें रहने दो, मैं और जेठालाल जाकर ले आते हैं। ओके फाइन, चलो जेठालाल। अरे एक मिनट, आज दिन कौन सा? आज मंगलवार है। अरे बैड लक अय्यर भाई, मुर्जी जेठा मार्केट मंगलवार को बंद रहता है। अच्छा हुआ ना राइट टाइम पे याद आ गया, वरना खामखा उधर तक का धक्का हो जाता है। चलो एक मिनट जेठा, तुमने लेड तो परफ्यूम डाला? नहीं तो क्या, नहीं तो यह लेडीज परफ्यूम है, सेम परफ्यूम बबीता भी यूज करती है, दोनों का खुशबू एकदम सेम टू सेम है। ना क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? हाँ सही कह रहे हो अय्यर भाई। कैसे बबीता जी? जी ठीक हूँ, थैंक यू। वो अय्यर भाई क्या हुआ, सुबह जल्दी जल्दी मैंने टप्पू के पापा के ऊपर वो हड्डियों की चोट पर वो लगाने का वो स्प्रे आता है ना, वो पैन रिमूवर स्प्रे, उसका भी स्मेल आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वो बदबू दूर करने के लिए मैंने टप्पू के पापा के ऊपर परफ्यूम छिड़का, और बबीता जी वो वही परफ्यूम है जो आपने मुझे गिफ्ट में दिया था। दया, मेरा ऊपर लेडीज परफ्यूम छिड़का? हाँ देखा जेठालाल, आई वाज राइट, मेरा नाक कभी धोखा नहीं खा सकता। पोपट। दया। अरे क्या दया, मेरी माँ हमेशा कहती है खुशबू तो खुशबू होती है, फिर जेंट्स क्या और लेडीज क्या, क्यों बबीता जी? चले दया भाभी, चले चलो चलो जेठीलाल। सॉरी सॉरी, वो क्या लेडीज परफ्यूम की वजह से जेठीलाल निकल गया। चलो जेठालाल, करेक्ट है, चलो बबीता। बाय जेठा जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। काका जी, सेठ जी, ये सब क्या डेकोरेशन? भूल गए सेठ जी, परसों वैलेंटाइन डे है, उसकी तैयारी। वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे नहीं सेठ जी, वैलेंटाइन डे।
वो क्या होता है? प्रेम दिवस, फॉरेन का त्योहार है। तो आप कब से फॉरेनर बन गए? अरे सेठ जी, अब तो ये त्योहार हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। अच्छा, क्या होता क्या है त्योहार में? बस प्रेम प्रेम प्रेम। ये एक दिन खाली प्रेम प्रेम प्रेम, और बाकी के 364 दिन क्या झगड़ा 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 है? अरे सेठ जी, मैंने तो अपनी दुकान का धंधा बढ़ाने के लिए ये तिकड़म किया है। एक मिनट, ये सब करने से हमारी दुकान का धंधा कैसे बढ़ेगा, जरा समझाएंगे आप? Why not? English. सेठ जी, मैं समझाता हूँ। उस दिन प्रेमला प्रेमली एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फिर वो गिफ्ट में मोबाइल, टीवी, फ्रिज कुछ भी दे सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे के लिए मैंने एक स्कीम सोची है। अच्छा, स्कीम भी सोच ले? हाँ सेठ जी। तो वो स्कीम क्या है, वो बताने की कृपा करेंगे? श्योर श्योर। तेरे फिर से इंग्लिश। सेठ जी, जो जो प्रेमी पंखीड़ा वैलेंटाइन डे के दिन हमारी दुकान में उड़ते उड़ते खरीदी करने आएंगे, उनको हम सबसे पहला एक सवाल पूछेंगे कि दुनिया में बड़ा क्या है, प्यार या पैसा? जिसका जवाब प्यार होगा, उसे वो चीज हम भाव टू भाव दे देंगे। नटू काका, उस दिन हर प्रेमी इस सवाल का जवाब प्यार ही देगा। तो क्या आप सबको सब चीज भाव टू भाव में दे देंगे? तो फिर इसमें हमारा फायदा क्या? अरे हाँ सेठ जी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर क्या सोचा आपने, क्या सोच के स्कीम रखी? अगर आपको स्कीम रखनी है तो चलो 5% डिस्काउंट का स्कीम रख दो। 5%? नहीं नहीं सेठ जी, कुछ और भी देना चाहिए। और क्या देना चाहिए? एक छोटा चॉकलेट का डिब्बा। अरे किधर खर्चा बढ़ा रहे हो नटू काका आप भी। चलो ठीक है, एक काम करो, वैलेंटाइन की यादगिरी में अगर कुछ देना ही है तो ये दिल छाप बलून दे देना, फ्री। बलून? क्यों नहीं अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, चॉकलेट दे देना बस। थैंक यू सेठ जी। और चॉकलेट का जो भी हिसाब किताब होगा वो मैं आपके पगार में से समझ लूंगा। बलून ही ठीक है। तो फिर? अच्छा तो सेठ जी, वैलेंटाइन डे के दिन आप अकेले दुकान बराबर संभाल पाएंगे ना? क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मंगला गौरी के पास। वो कौन है? भूल गए? मेरी धर्म पत्नी। ओ, मंगू काकी। तो आप मंगू काकी के पास जा रहे हैं कि मंगू काकी यहाँ आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। आपने मुझे बताया नहीं नटू काका। बताया ना। कभी? अभी। वो क्या है सेठ जी कि हर वक्त वो मुझे ताना मारती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे भूल गए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन गांव जाके उसको मैं सरप्राइज दूं। मैं जाऊं ना सेठ जी? टिकट आ गई है? कब की? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ओ या, सॉरी जेंटलमैन, हमों का पूछा। अरे भिड़े भिड़े भिड़े, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। क्या हुआ पोपटलाल, नल में पानी नहीं आ रहा है या वापस किसी ने कॉरिडोर गंदा कर दिया? नहीं नहीं, नल में पानी भी आ रहा है और कॉरिडोर भी एकदम साफ है। अरे वाह, यही तो दुनिया का दस्तूर है पोपटलाल, जब प्रॉब्लम होती है ना तो कंप्लेंट करने सभी आते हैं, लेकिन जब सब कुछ सही होता है तो तारीफ करने कोई नहीं आता। क्यों आएंगे भाई तारीफ करने, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, काम है ये तेरा। अगर ओहदा पाने का शौक है तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, समझा ना? तो अभी कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने मुझे रोका है आदरणीय पत्रकार पोपटलाल जी? बताता हूँ, यहाँ आसपास में अच्छा इंटरनेशनल कुरियर कौन सा है ये बताओ। क्यों? भाई मुझे कैरी को ये वैलेंटाइन डे का कार्ड कुरियर करना है। तो पत्रकार जी, अभी तक आप कैरी को भूले नहीं हो, उसकी तो सगाई हो गई ना? अरे भाई सगाई हो गई तो क्या हुआ, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे फोन करती है, मैं उसे फोन करता हूँ, और हम अपने अच्छे दोस्त को भी वैलेंटाइन बना सकते हैं ना। तू वो सब छोड़, मुझे ये बता कि यहाँ आसपास में अच्छा इंटरनेशनल कुरियर कौन सा है? वर्ल्ड्स बेस्ट कुरियर। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट कुरियर कौन सा है? अरे भाई वही बता रहा हूँ, उस कुरियर का नाम ही है वर्ल्ड्स बेस्ट कुरियर। तू यहाँ से जाएगा ना, राइट मारेगा तो गली के कॉर्नर में ही है। हाँ, अच्छा भिड़े,
ये कार्ड देखकर बता कैसा लगा तुझे? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह। मैं 3 दिन से अपने हाथों से इसे बना रहा हूँ, तब जाके इतना अच्छा कार्ड बना है। ओहो। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू कैरी फ्रॉम पोपटलाल। क्या बात है, अप्रतिम। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू कैरी। अरे क्या करता है टप्पू? इतना अच्छा मेरा कार्ड है, पूरा खराब हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने इस कार्ड को, देखो। अरे सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। नहीं नहीं, क्या सॉरी, क्या सॉरी? सॉरी अंकल सॉरी, पूरा कार्ड खराब हो गया, देखो। पहले गलती करो और फिर माफी मांगो। सॉरी 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 अंकल, लेकिन टप्पू ने जानबूझकर नहीं किया। हाँ। सोनो, क्या टप्पू, तुम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते ना? अंकल ऐसा मत बोलो, वक्त आने पर मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। भीड़े तुम वो सब छोड़ो ना, चलो हम लोग लंदन जाके कार्ड कुरियर करके आते हैं। लंदन? मेरा मतलब है कि कुरियर वाले के पास जाके इस कार्ड को लंदन कुरियर करके आते हैं। अच्छा भाई, चलो चल भाई चल। बच्चे भी ना ऐसे पूरे कार्ड को खराब। कोली, तू तो बच गया। कोई बात नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ शिक्षक महोदय, कंप्यूटर कैसा चल रहा है? अप्रतिम और गिठरा, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा कंप्यूटर मिला है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। लेकिन अब भी कंजूसी मत करना, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वरना कंप्यूटर का हाल भी स्कूटर जैसा हो जाएगा। नहीं भाई, मैं तो वो टाइम टू टाइम ही कराऊंगा बस। हाँ, फिर कुछ अगर गड़बड़ होगी तो फिर मुझे मत पकड़ना, फिर तू और लोकेश भाई है। अरे नहीं भाई, मेरे पास लोकेश भाई का नंबर है, मैं उसी से सर्विसिंग कराऊंगा। तो वैसे भी तेरे कंप्यूटर में कोई भी सर्विसिंग की जरूरत हो ना तो मेरे गैराज में भेज दे, मैं फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके भेज दूंगा पिडू। उत्साही, मुझे अपने कंप्यूटर की सर्विसिंग करानी है, गड्डी की नहीं। ओ कमाल है, आजकल सारी गड्डियां कंप्यूटराइज ही तो आती हैं यार, और मेरे मकान ये एकदम टॉप ग्रेड है, फास्ट क्लास करके भेजेंगे तेरे को सर्विसिंग। आ काय बोलतो है? अरे मजाक कर रहा हूँ पिडो। अरे भाई, लोगों के पास भी कितना फालतू टाइम और उत्साह दोनों है। देखो वैलेंटाइन डे आने में अभी 2 दिन बाकी और अभी से मैसेजेस शुरू है। अरे हाँ सचिव महोदय, कुछ सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है करीब वैलेंटाइन डे पे? ओ मेहता साहब, बस अभी हमारी सोसाइटी में कोई फंक्शन नहीं है भाई। ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है या फंक्शन का जंक्शन है? फंक्शन की जंक्शन, जब भी देखो तब ये त्योहार का फंक्शन, वो त्योहार का फंक्शन। अरे भाई फंक्शन ही मनाते रहेंगे तो काम कभी करेंगे? मेहता साहब, अंजलि भाभी को समझा देना, मेहरबानी करके हमारी बीवियों के वैलेंटाइन डे की बिल्कुल बात ना करे। हाँ, और ना खामा खाओ, गिफ्ट दो, घुमाने लेके जाओ, और सब झंझट करना पड़ेगा भाई। हाँ यार, इस बार तो मेरे पास भी वक्त नहीं है, वो इतनी गड्डियाँ गैराज में आई हुई हैं, सारी रिपेयर और सर्विसिंग करके भेजनी है। और ये सब पाश्चात्य चोचले, हम लोग कहाँ मनाते हैं वैलेंटाइन डे। सॉरी मेहता साहब, हम लोग नहीं मनाएंगे भाई। सॉरी मेहता साहब, सॉरी मेहता साहब, नहीं नहीं हम नहीं मना पाएंगे भाई वैलेंटाइन डे। एक मिनट, आप लोगों ने क्या मुझे वैलेंटाइन डे का प्रचारक समझ रखा है? अरे मैंने कब कहा कि वैलेंटाइन डे मनाओ, मेरे पास तो एक मैसेज आया था, इन्फॉर्मेशन दी थी भाई, और ऐसे एक सवाल किया था भेड़े के, कोई फंक्शन है क्या? हाँ, मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं, बहुत आर्टिकल लिखने हैं। एसएमएस करने वाले को वापस एसएमएस कर दो, नो वैलेंटाइन डे। अरे तू सोडा बना भाई, अभी तक सोडा नहीं बनाया तूने? हाँ हाँ, बना बना दो। हमारे बातें सुनने में ज्यादा वो खो जाता है। कोमल भाभी, इस बार वैलेंटाइन डे पे हाथी भाई ने आपके लिए क्या कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज किया है? कहाँ बाहर घूमने ले जाने वाले हैं? बोलो बोलो। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, अभी शादी के 15 साल बाद क्या वैलेंटाइन डे लेके बैठे आप? हेलो, ये रीटा है ना, इसकी उम्र है वैलेंटाइन डे मनाने की, इसको पूछो, पकड़ो इसे। हे रीटा, तेरा वैलेंटाइन डे का क्या प्रोग्राम है बाबा, और तू उस दिन किसके साथ जा रही है? हाँ रीटा, बोल बोल, शर्मा मत। अरे आप लोग भी ना
वैलेंटाइन डे मनाने के लिए कोई वैलेंटाइन होना भी तो चाहिए। हम न्यूज रिपोर्टर्स को न्यूज बनाने से फुर्सत मिले तो हम लोग वैलेंटाइन मनाएंगे ना। लो लेकिन अभी इस वक्त कहाँ जा रही है तू? अरे आपको पता है इस वक्त ना मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ? एक चूहा एक एसी के जाले में फंस गया है। वही कवर करने जा रही हूँ, लाइव कवरेज दूंगी मेरे चैनल पे, आप देखना। वाह क्या न्यूज कवरेज हो रही है हाँ रिपोर्टर मैडम। अरे अंजलि भाभी यही तो काम है हम लोगों का। खैर फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओली जा जल्दी जा। हाँ, और प्रयत्न कर उसको छुड़ा पाए तू। संभल कर जाना रीता, जोर दे के कर जल्दी। इनका स्कूटर भी भीड़ो भाई जैसा ही है। अरे नहीं दया भाभी, मेरे स्कूटर की उतनी भी बुरी हालत नहीं है। मजाक कर रही थी। अरे मत बोलो दया भाभी, इसको भी ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। अरे भाई सोडा खत्म होने को आया, बाकी लोग है किधर? अरे हाँ अपने दोस्त यार किधर है? हाथी भाई का पता नहीं है, पोपटलाल घर पे ही है। और अय्यर साहब बबीता जी के साथ सवेरे से बाहर गए हुए, अभी तक आए नहीं। अरे तो मेहता साहब जरा फोन करके पूछा था सही कहाँ? कौन अय्यर साहब? पता करता हूँ एक मिनट। हेलो, अरे अय्यर साहब कहाँ हैं आप भाई? सोडे की दुकान पे हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके परम मित्र जेठालाल आपको बेहद याद कर रहे हैं। अरे आओ भाई जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे नहीं यार तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, चलो फिर कल मिलते हैं ना। हाँ अपने को तो रोज ही मिलना है, चलो ओके बाय। अरे भाई अय्यर साहब रास्ते में, लेकिन अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। ना भाई अब्दुल पैसा काट। 10-15 मिनट में बबीता जी आ रही है तो उनके दर्शन करके दिन की पूर्णाहुति करनी चाहिए भाई। चलो जी मजा आ गया अब्दुल प्रा। अब्दुल बड़ा टेस्टी थी यार। चला। अरे मैं क्या बोलता हूँ, बहुत दिन हो गए गार्डन में बैठे ने, जरा बैठते हैं गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। क्या बोलता है छोटे? ओ बिल्कुल चेटा अपना, मजा आ जाएगा, घूम के पीछे पे लगाते हैं। चलो 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 चलो। अरे भाई इतना बढ़िया गार्डन है, चलो बैठ जाते हैं। भैया क्या कर रही है रीटा? बच गया ना। अरे यार गाड़ी तो उधर मुश्किल ही कर दी। अरे इतनी रात को कहाँ जा रही है? खबर वाले हैं, इनका 24 घंटे कुछ काम होगा, अपने को क्या पता है। अरे दया भाभी वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन डे। हाँ मुझे पता है, और उस दिन ना वो लाल लाल गुलाब देते हैं, लाल लाल कपड़े पहनते हैं, फिर सब लोग लाल दिल लेकर घूमते हैं। पर मुझे ये बताइए कि ये लाल रंग और वैलेंटाइन ये दोनों का संबंध क्या है? लाल रंग इसलिए क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है, और वैलेंटाइन मतलब जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा जिंदगी में प्यार करते हैं, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, उस इंसान को इस दिन हम सम्मान देते हैं। अच्छा तो टप्पू के पापा मेरे वैलेंटाइन हुए। पता है वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल डे होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा रोमांस भरा होता है। एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते हैं, गुलाब देते हैं, एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, मस्ती करते हैं। और पता है गांव में तो लाल रंग देखकर बैल पीछे पड़ता है। कितना हुआ? अरे लो बबीता जी आ गई। देखो बबीता, आज के बाद तुम्हारे साथ में शॉपिंग के लिए कभी भी नहीं आने वाली हूँ। अरे बबीता, आमी तुम्हारे कोनो कथा सुनती चाहिए, ठीक है? ठीक है, मेरी बात मत सुनो, लेकिन रात के खाने का क्या है? वो जो हमने पूरे दिन में एक सैंडविच खाया था उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा बबीता? अरे अरे भाई ये भाई आओ चलो गप्पे लड़ाते। अब्दुल जाब पर कोई नहीं है। अरे भाई सब गार्डन में, मुझे अभी सोडी का फोन आया था, चलो चलो आओ चलो। अरे भाई अय्यर साहब पोपटलाल कहाँ? सोडा साहब? नहीं नहीं सब लोग गार्डन में बैठे हैं, चलिए चलिए आप। हाँ, तो मैं भी आता हूँ। आओ भाई आओ। सूट है बबीता, तू इतने गुस्से में क्यों है? हाँ ये अय्यर भी ना, हम लोग सुबह से शॉपिंग के लिए निकले हैं, कुछ पसंद नहीं आया उसको। जो मुझे पसंद आता था ना उसको बिल्कुल नहीं पसंद आता था। देखियो बबीता जी,
ऐसी छोटी छोटी बात में झगड़ा नहीं करना चाहिए। साची बात है। देखिए अय्यर भाई को कोई चीज पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने नहीं ली होगी, है ना? हाँ। और पता है, मेरी माँ कहती है कि पति की जिम्मेदारी घर में खर्च देखने की होती है और पत्नी की जिम्मेदारी घर में संस्कार बनाए रखने की होती है। अगर अगर पत्नी ही झगड़ा करेगी तो कुटुंब संस्कार कैसे कहलाएगा? बराबर कहा गया भाभी ने। सोड़ी कैसा पोपट रहा हो? या 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 ओ डॉक्टर हाथी क्या बात है। बैठे बैठे बैठे। अरे अय्यर भाई, आप अकेले आए? बबीता जी कहाँ हैं? क्यों वो यहाँ पर क्यों आएगी? नहीं मतलब आप दोनों साथ में गए थे ना शॉपिंग में, तो आप अकेले ही वापस आ गए? जेठा लाल, हम शॉपिंग साथ गए थे और साथ ही आए हैं। वो उधर लेडीज लोगों के साथ बैठी है। वो तो ठीक है अय्यर साहब, लेकिन आपके मिजाज इतने उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हैं? छोड़ा ना मेहता साहब। अरे छोड़िए मतलब क्या, बताइए तो बात क्या हुई है? हाँ क्या हुआ? मैं और बबीता शॉपिंग करने गए। बोल अब क्या बोलने का बबीता को? कुछ भी बोलो, गलती है यार भाई तुम्हारी है। चलो चलो आओ, सॉरी बोलो बबीता जी को। चलो अरे जाड़ा लाल, मैं क्यों सॉरी बोलेगा? मैंने क्या गलती की है? अब मुझे जो भी चीज पसंद आती थी बबीता उसको रिजेक्ट कर देती थी। मतलब इन दोनों की पसंद मिलती ही नहीं है। आप भी हद करते हो यार अय्यर साहब। अरे बीवी के साथ पूरे दिन मार्केट में घूम रहे और शॉपिंग नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अरे उसका दिल रखने के लिए कुछ खरीद लेते। अरे मेहता साहब कैसी बात कर रहे हो आप, जो चीज पसंद नहीं है उसको कैसे ले सकते हैं? बाद में वही चीज घर में कोने में पड़ी रहती है। जैसे यार भाई। जेठा लाल क्या मतलब? मतलब जैसे अय्यर भाई अड़े हुए जिद्दी। बराबर बोला मेहता साहब ने। अरे भाई बबीता जी का दिल रखने के लिए भले अपने को नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ ऐसा ले लेने का। पर मेरा घर में तो आधी से ज्यादा चीज ऐसे ही पड़ी है, तो कौन मगजमारी करेगा? ले लो बोल देता हूँ मैं तो। सही बात है। हाँ भाई एकदम सही बात है यार, गलती तुम्हारी ही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तूने तो शादी की नहीं है पोपट, इसलिए तेरे को पता नहीं है कि शादी के बाद होता क्या है। पोपट लाल तुमको मालूम नहीं है, ये लेडीज हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसीलिए गलत चीज सिलेक्ट कर लेती है और उसका दोष हम लोगों के ऊपर मढ़ देती है। दुनिया में एक भी वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो औरतों के इस जटिल दिमाग को समझ सके। हम मर्द क्या खाक समझेंगे, हमेशा परेशान रहते हैं। और उनको तो सिर्फ झगड़ने का मौका चाहिए। बिल्कुल बराबर। अरे मम्मी, आंटी, आप सब गार्डन में जाकर सुनिए, अंकल लोग आप सबकी कितनी बुराइयां कर रहे हैं। क्या अच्छा, तो वो लोग वहाँ पे हमारी बुराई कर रहे हैं, चलो जाकर देखते हैं। सही बात है। अरे अभी अभी बाकायदा रिसर्च भी हुआ है जिससे पता चला कि सबसे ज्यादा अकड़ू और झगड़ालू औरतें ही होती हैं। हाँ सही बात है। अरे आपकी बात तो सही है डॉक्टर आती, लेकिन इनकी बातें सुन लो, औरतों के पास कुछ बातें फिक्स है, दिन भर वही करती है। तुम में तो अकेली नहीं है ना। मैं नहीं होती तो तुम्हारा होता क्या? हाँ। अरे मुझसे शादी नहीं होती तो कुंवारे डोल रहे होते। अरे मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा कि जीवन साथी होता क्या है, दिन भर सुनो ये बातें। सेम सेम टू सेम डायलॉग, सारी दुनिया की औरतें यही बोलती है। और पोपट तो सुन क्या रहा है? ये सारी बातें जो मेहता साहब ने बोली है ना, गांठ बांध के रख ले, और शादी होने के बाद ये सारे अनुभव तेरे काम आएंगे। सही बात है। बराबर भाई, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। सुखी रहेगा। डर गए पोपट लाल, तूने अभी हम शादीशुदा लोगों की ट्रेजेडी सुनी कहाँ है?
मुझे सुननी भी नहीं है। पोपट लाल वाइफ घर में सुनती नहीं है, कम से कम तुम तो सुन लो। अरे अय्यर साहब, बीवी को अगर अपनी बात सुनानी हो ना तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है, नींद पे बोलना शुरू कर दो। भड़ास निकल जाएगी दिल की। ऐसा लगेगा कि तुमने भी बोल दिया और उसने भी सुन लिया। कोई फायदा नहीं है मेहता साहब, ये औरतें होती है ना वो सिर्फ अपनी मतलब की और अपनी काम की ही बातें सुनती है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे जमाने में, या भाई अभी तुम्हारा जमाने इधर चालू मत करना प्लीज। बस ऐसे ही बोल के माधवी मेरी बात काट देती है। होता बराबर करते हैं माधवी भाभी। यार मेरी रोशन का भी यही प्रॉब्लम है, और मैं जब भी पार्टी शाड़ी की बात कर दो ना उसका तो हॉर्न बजना ही शुरू हो जाता है, कुछ सुनती नहीं है यार, बोलती चली जाती है रुकती नहीं है। सही बात है, सही बात है, बात है। करते हो? अरे भाई इनसे बहस में जितना मतलब, और बिजली के बल्ब को ऐसा फूंक मार के बुझाने जैसा है। मेरे दया भी दिखती है कबूतर जैसी भोले भाले, लेकिन कौवे की चोंच ऐसे पर्स में छुपा के रखती है, मौका मिलते ही चोंच पहन के करती हो। सही कह रहे हो जेठालाल, औरतों के इन बदलते रूप को भगवान भी नहीं समझ पाया। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। बोलिए। भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई बहुत फुर्सत से, फिर थोड़े दिन आराम किया, फिर भगवान ने हम मर्दों को बनाया, फिर थोड़े दिन और आराम किया, फिर भगवान ने बनाई औरतें, उसके बाद न भगवान ने आराम किया न हम मर्दों ने। सही बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना जोक है ना, बहुत सुना है। अरे कितना ही पुराना और रहता हमेशा सच यही है। ये तो एकदम सही बात है। खाना चाहिए होता तब कोमल याद आती है, और अब बुराई कर रहे हो। आओ घर पे आओ। वैसे वो किसी ने कहा है ना, बहुत सही कहा है कि औरतों की अकल घुटनों में रहती है भाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये कहावत बनाने वाले का मंदिर बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। बाबा तुम लोग यहाँ? अंजलि। हाँ जी, वैसे आपने बिल्कुल सच कहा कि औरतों में अक्ल होती ही नहीं है। क्योंकि अगर औरतों में अक्ल होती तो आप सबको पसंद क्यों करते? हम तो यहाँ पे ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे ही कॉमेडी क्यों है? मजाक कर रहे थे, मजाक। हाँ गम्मत माधवी। काय माधवी, काय माधवी, आपको मुझसे कंप्लेंट थी तो मुझे कहते, सबके सामने न्यूज बनाने की क्या जरूरत थी? माधवी आइकुंद के, अरे हम लोग जनरल बातें कर रहे थे। बिल्कुल एकदम जनरल औरतों के बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों के बारे में नहीं। जनरल? अरे बिल्कुल आप लोगों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं हम, करता ही नहीं, गलत फहमी हो गई है आप लोगों को। अरे नहीं रे नहीं, हम लोग को कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हम लोग ने सारी बातें अपने कानों से सुनी है। छोड़ो ना रोशन भाभी, अब बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। और क्या जली? नहीं तो हमारी बुद्धि को ही ताना मारेंगे। माधवी मेरी बात सुनो, अब जो भी बात होगी वो घर पर होगी। आप घर पे आओ, मेरी अकड़ और अकल का नमूना दिखाती हूँ आपको। अरे देवा। वैसे अच्छा हुआ कि गोली ने हमें सब कुछ बता दिया, तब जाके पता चला कि सोडा शॉप पे रोज होता क्या है। हमारी पीठ पीछे बुराई करते हो। हंस, घर पे खाना मांगो, बताती हूँ तुमको। अरे आते है भाई, अपने गोली को बांध के क्यों नहीं रखा? अरे बांध के रखूं फिर भी वो भाग जाएगा। नहीं हाथी भाई, इसमें गोली की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है जेठालाल। मेरी क्या गलती भाई? अरे अच्छा खासा घर जा रहे थे, तुम्हें बोला ना गार्डन में बैठ के गप्पे मारते हैं।
देखो भाई, गलती मेरी नहीं है, गलती अय्यर भाई की है। जाड़ा लाल, मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है? बबीता जी के साथ तुम शॉपिंग करने गए, बराबर? अच्छा, शॉपिंग करने गए, कुछ शॉपिंग नहीं किया? नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं, सीधा घर पे क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? जाड़ा लाल, मैं घर पर ही जा रहा था। पोपट लाल मेरे को इधर लेके आ गया। ये भाई, तुम अपने झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? ये तो सोड़ी ने मुझे फोन किया था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। अरे वो तो मेहता साहब ने अय्यर को फोन किया था, इसलिए मैंने तेरे को फोन किया था यार। अरे तो मुझे क्या सपने आ रहे थे क्या अय्यर को फोन करने के? जेठालाल ने याद किया अय्यर को तो मैंने फोन कर दिया। तो अब्दुल की वजह से यह सब हुआ है। अब्दुल का क्या जरूरत है बोलने की? आतिफ भाई का मुझे पता नहीं है। पोपटलाल घर पे है और अय्यर भाई शॉपिंग पे गए। अगर वो बोल देता कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है, तो बात उधर ही खत्म हो गई होती, हम लोग इधर गार्डन में आते ही नहीं। अरे आज कुछ हुआ ना तो ये अब्दुल बचने वाला नहीं है यार। ओ मेहता साहब, ये सारी बातें छोड़ो, अब अपनी अपनी बीवियों को कैसे मनाएंगे ये सोचो यार। हाँ सही बात है। हाँ मेहता साहब, अब क्या करें? अरे करें क्या, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें शक्ति दे, क्योंकि घर तो जाना पड़ेगा। और घर पे क्या होने वाला है नहीं मालूम भैया, तैयार रहो, दरवाजा भी खुलता है कि नहीं, क्योंकि आज की रात तो कयामत की रात है। कल मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। जरा चूरन दोगे? दया, ये क्या? पानी के बिना चूरन कैसे खा सकते हैं? पानी नहीं ले साथ में? अच्छा, पानी के साथ चूरन खाता है? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। सुन रहे हो? पानी के साथ चूरन खाते हैं? किसके साथ बात कर रही है? मेरी अंकल से। मेरी अंकल घुटनों में है ना? दया, तू तो एकदम सीरियस हो गई है? अरे मैं तो जोक मार रहा था। जोक? ऐसा कैसा जोक जिसमें हंसी ही ना है? कोई कोई होते ऐसे जोक, सीरियस जोक। देख इसमें भी आई हंसी नहीं, सीरियस। पानी पानी लेके। मच्छर की तरह करना बंद कर। अच्छा, अभी मैं मच्छर? तो वो कौवे का क्या हुआ जिसकी चोंच मैंने पर्स में छुपा के रखी है? बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं?
हमेशा मुझे डांटता रहता है, सबके सामने टोकता रहता है, फिर भी मैं हूँ कि कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हूँ मैं। चुप रहती हूँ करके कितना बोल रही है तू? अभी क्यों चुप हो गई? बोल 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 बोल। मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पर क्यों बोलूं? आप कहे इसलिए मैं बोलूं? बिल्कुल नहीं। आश तो मत बोल। मैं बोलूंगी, बोलती ही रहूंगी और इतना बोलूंगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। वाह, ये क्या हुआ? आप कहे चुप तो मैं चुप हो जाऊं, आप कहे बोल तो मैं बोलूं? बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगी। तो बोल। मेहता साहब बोलने के पहले सोच तो लेते, अब मनाओगे कैसे? अब आप अंजलि अंजलि अंजलि, ये तकिया और चादर अंजलि, हाँ सोफे पे के, तुम एडजस्ट नहीं होगी, नींद नहीं आएगी तुम्हें यहाँ पे। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे लिए का क्या मतलब है? मैं है? ऐसे थोड़ी होता है अंजलि। ऐसे ही होता है। क्या कहा था आपने कि औरत को बनाने के बाद भगवान और पुरुष आज तक चैन से सो नहीं सके, तो पुरुष सोइए चैन से, यही सोइए। अरे क्या अंजलि, ऐसे छोटी सी बात को ऐसा बतंगड़ बना रही, सॉरी बोलता हूँ ना, सॉरी। अच्छा सॉरी सॉरी, यानी मेहरबानी कर रहे हो मुझ पर? नहीं नहीं, दिल से, वेरी सॉरी, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। अपना ये दिल है ना, अपने पास ही रखिए और आज यही सोइए, समझे? अब अंजलि जाने दो ना। अरे सॉरी बोला ना मैंने, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे वो सारी जनरल बातें हो रही थी। अच्छा, हम औरतें आकड़ू है, ये जनरल बात है? नहीं नहीं माधवी, तुम तो काफी समझदार हो। नहीं नहीं, मैं कहाँ समझदार हूँ? अरे हम औरतों की अकल तो घुटनों में होती है, और ये कहावत बनाने वाले का मंदिर बनाना है ना पुजारी? अरे लेकिन मैं सोऊं कहाँ माधवी? बालकनी खाली है। कहते है मैंने कहा कुछ कहा? सही बात है। तुम नाराज क्यों हो रही हो? हर बात में सही बात है कह रहे थे ना, इसीलिए। सॉरी कोमल, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, गुड नाइट। क्या मुसीबत है, सही बात बोलना भी गलत बात हो गई। और रोशन सारे सुनते सही मेरी गलत रोशन, अरे हम औरतों की जबान में तो ब्रेक ही नहीं होती ना। ओए रोशन मेरी प्यारी जान, अरे मैं तो गड्डी ब्रेक की बात कर रहा था। और तेरे को बुरा लग गया तो आई एम सो सॉरी यार। कोई सॉरी वॉरी नहीं, अब तू आखिरी रात यही बालकनी में सो। ओए रोशन मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती यार। आज आ जाएगी बालकनी की ठंडी ठंडी हवा में। चल रोशन सुन, रोशन सुन। वेलकम सोडी। ओए यारा तू भी? सिर्फ मैं नहीं, नीचे देखो डॉक्टर हाथी, आप भी? हाँ मैं भी। अरे क्या बात है भाई, लोग सब लोग बाहर है, सोना नहीं है क्या? इसीलिए बाहर आया जेठालाल। मतलब वो यार रोशन ने धक्के मार के बाहर बालकनी में भेज दिया मुझे भी। आपको भी रोशन भाभी ने बाहर भेजा? ओए और डॉक्टर आती है, आपको रोशन ने कब घर से बाहर निकाला? अरे सोडी मुझे बोलने तो दो, मुझे कोमल ने निकाला है। ओए जेठा प्रा, उनको कोमल भाभी ने बाहर निकाला है यार। अने वो बोले ना मुझे भी, इसलिए थोड़ी गलत फहमी हो गई। हाँ अने तुम चा काय भिड़ा मित्र मंडल, तुम्हारा पण माधवी भाभी। अरे दूसरा कौन है आयुष्यात? तो एक ही वो बहुत है। ओए हम लोग तो सारे बाहर हैं, पर ये मेहता साहब और अय्यर तो चैन की नींद सो रहे हैं। अरे भाई सोड़ी, मेहता साहब तो शायर किस्म के आदमी है ना, कोई अच्छी सी शायरी सुना के अंजलि भाभी को पटा लिया होगा। अरे नहीं भाई नहीं। किसे शायरी सुना है दोस्तों, कोई शायरी वारी काम नहीं आई। अरे बाप रे, मतलब आप भी? और क्या, दुख के बादल छटने को तैयार नहीं है, और अंजलि शायरी से भी पटने को तैयार नहीं है। वाह वाह, इसी में भी शायरी बोलो।
अरे लेकिन भाइयों एक बात समझ में आई, अय्यर अय्यर तो शांति से सो रहे हैं, सारे झड़की फसा तो हुआ है। हाँ झगड़ा उसने शुरू किया और वो सो रहा है अंदर। ए छोड़ी उठा उसको उठा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हाँ जेठा पुरा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर 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 बाहर निकल। अय्यर ये उठ रहे अय्यर उठ। अरे क्या आराम से सो रहा है, बाहर निकल। अय्यर बाहर फेंको बाहर फेंको बाहर। दांत बना के रखा हुआ है, बाहर निकल। अरे हाँ बोलो। अरे बात तो शक्ल तो दिखा यार। अरे किधर है ये? किधर से बोल रहे हैं? अरे मैं इधर हूँ। अबू हम लोग यहाँ पे परेशान हैं और ये गार्डन में घूम रहे हैं। घूमने ही रहा था आत्मारम, गार्डन में सो रहा था। हाँ हमारी तरह क्या बात है, अभी तक ने दरवाजा खोला ही नहीं। यह बढ़िया यह बराबर है, तो बहुत अच्छा भाई। कोई कुछ बोलना होता भी रिटा आ रही है। हाँ हाँ चुप 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 चुप। अरे झोपे गले ला, जागाओ जागाओ, काय झोपते सो मत नहीं तो पता चल जाएगा। हेलो मेहता साहब। हेलो हेलो रीटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सब ठीक तो है ना? एनी न्यूज? नहीं नहीं रीटा, कोई न्यूज नहीं है, वैसे ही कोई न्यूज नहीं है। ओ मेहता साहब कैसे कोई न्यूज नहीं है? अरे हमारी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ये बड़ी न्यूज नहीं है क्या? एक मिनट छोड़ी छोड़ी, एक मिनट मैं समझाता हूँ रीटा तुम्हें। हुआ यूं के हम सब गार्डन में बैठ के बातें कर रहे थे, तो इस तरह से हमसे वो ऐसी नाराज हुई कि अब क्या बताएं, घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन रीटा देखो प्लीज, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, फैमिली मैटर है, इसकी न्यूज मत बना देना। हाँ प्लीज बताना नहीं यार किसी को। बोलो ये अभी प्लीज प्लीज कर रहा है। आता प्लीज बोलते है। हाँ हाँ बाबा मैं नहीं बनाऊंगी इसकी न्यूज, और वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी का हिस्सा होने के अलावा मैं एक जिम्मेदार रिपोर्टर भी हूँ, और हम रिपोर्टर्स के बाद अच्छी तरह से पता होती है कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। शाबाश। वेल आप लोगों की बीवियों को मनाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या बताओ ना प्लीज। वो क्या जल्दी बताओ। परसों वैलेंटाइंस डे है, तो आप सभी लोग अपनी अपनी बीवियों को बाहर ले जाइए, उन्हें घुमाइए, अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उन्हें खाना खिलाइए, यानी कि अपना प्यार जताइए। फिर देखिए आप लोगों की बीवियां ना यूं मान जाएंगी और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। सही बात है। क्या बात है रीटा, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइडिया हो रहा है, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है रीटा। थोड़ा खर्चा लेकिन अच्छा है, अच्छा है। आई गो आई आई गो आई 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 माधवी चान। अरे चाह लाओ ना माधवी। टिफिन लो।
सब लिए बुक्स बराबर? हाँ। माधवी चाहा। आराम से डाल बेटा। माधवी, सॉरी बोला ना मैंने, अभी भूल जाओ ना उस बात को। देखिए, एक बार मैं आम के अचार में आम डालना भूल सकती हूँ, लेकिन कल की बात नहीं भूल सकती। बाप रे, लगता है माधवी आसानी से नहीं मानने वाली, उसको मनाने के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। वैसे रीटा ने सही कहा था, अब तो वैलेंटाइन बाबा का ही सहारा लेना पड़ेगा। माधवी, माधवी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग कल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कल हम लोग मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने चलते हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्स में बिना दिमाग वाली औरतों को एंट्री है? हाँ। ना मतलब, अरे वो सब छोड़ो ना माधवी, तुम सिर्फ हाँ कर दो, हम लोग मॉर्निंग शो देखने चलते हैं। मॉर्निंग शो क्यों? अरे सोनू, इवनिंग शो के एक टिकट में जितना खर्चा होता है ना, उतने ही खर्चे में हम लोग तीन जन मॉर्निंग शो देख के आ सकते हैं। और क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लेक्स वही है, पिक्चर वही है और सीट भी वही है। हा? मस्त नाश्ता वास्ता लेके जाते हैं। माधवी, तुम नाश्ते में ना भाकरवड़ी लेना, चिवड़ा लेना और सैंडविच भी लेना, एक थर्मास में कोल्ड ड्रिंक लेना और एक थर्मास में कॉफी या तो चाय ले लेना। आहो, मल्टीप्लेक्स का खर्चा भी क्यों करते हो, इसे भी दो तीन महीने बाद वो मूवी टीवी पे आने ही वाली है, तब देख लेना। अप्रतिम आइडिया, वो भी अकेले ही देखना। माधवी, माधवी, ए माँ आई। यार कितने मच्छर काटे आप, हे भगवान, ये मच्छर, वैसे मच्छरों से विषय तो बहुत बढ़िया मिल गया, लेकिन कितने अनलकी लोग हैं बेचारे, वो जो बेघर होते हैं, आज रात खुले में सोए तो पता चला। लेकिन बेघर लोग क्या खाकर अनलकी होते हैं, उनसे ज्यादा अनलकी तो हम हैं जिनके घर और बाहर सो रहे हैं इन बीवियों की वजह से। कसम खा लेता हूँ अंजलि के सामने जुबान ही नहीं खोलूंगा। क्या हो रहा है, रात भर बाहर सोने के बाद भी जनाब को मस्ती सूझ रही है? हाँ, मुंह पर उंगली रख कर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है क्या? क्या कर रहे हो आप? अंजलि, मजाक नहीं कर रहा हूं, दिखता है पर इस वक्त नसीब साथ नहीं दे रहा। ओ, और मुझसे कुछ उल्टी बात ना हो जाए इसलिए चुप हूं। ओ हो, क्या बहाना है? हाँ अंजलि, लगता है बोलना ही पड़ेगा, ये नाटक नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? करेक्ट, हम कहां से समझेंगे, क्योंकि हम और तुम्हें तो समझ होती ही नहीं है। अंजलि प्लीज, एक बात को कब तक लंबा करोगी, भाई का पहाड़ बना रही हो या तुम? वो हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बातचीत थी ना, तुम जानती हो मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ, वो तो बातचीत में बात निकल गई तो हम लोगों ने कर ली, मान जाओ ना प्लीज। अंजलि देखो, माफ कर दो अंजलि, प्लीज 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 प्लीज। अभी इतना प्लीज प्लीज कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, मान गई, जाओ। आज के बाद किसी भी औरत पे कमेंट करने से पहले सोच लेना। अरे सोचने का क्या मतलब है, मैं आइंदा क्या, मैंने कभी किया ही नहीं, वो तो उस दिन ऐसे ही हो गया, सवाल ही नहीं। औरतें महान होती है, मैं जिंदगी में ऐसा कभी ना सोचता हूँ ना लिखता हूँ, जिंदगी में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी आर्टिकल लिख लेता हूँ। हाँ, आज के आर्टिकल का टॉपिक क्या है? कुछ खास नहीं, वैसे ही नॉर्मल नॉर्मल। नहीं नहीं, आपने लिखा मैंने पढ़ू, दिखाओ ना, देखो तो फिर भी। अरे नहीं नहीं अंजलि, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं प्लीज। अरे अंजलि, इसे इसे, अरे इसे क्यों पढ़ रही हो? मच्छर और पत्नी, मच्छर और पत्नी दोनों में कई समानताएं होती हैं, दोनों हमेशा गुनगुन करती रहती है, दोनों खून चूसती है, दोनों एक बार काट ले तो बहुत वक्त तक जलन देती है। अंजलि अंजलि अंजलि, देखो 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 देखो, तुम समझो समझो अंजलि, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या होता है देखो, हास्य और व्यंग में है ना फर्क होता है, व्यंग व्यंग क्या होता है कि जब आदमी लिखता है ना तो वो व्यंग होता है, और जब हास्य लिखता है तो वो मतलब
हास्य होता है, मतलब वो हंसाने के लिए लिखता है। हास्य में क्या होता है, मतलब पब्लिक का अच्छा मनोरंजन होना चाहिए। मतलब मैं जो ये लिखा है मैंने पब्लिक को हंसाने के लिए लिखा, मेरे विचार नहीं है ये, मानता ही नहीं मैं क्या। नहीं मैम, शरद और पत्नी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, आपने कहा और मैंने मान लिया। अब तो आप ना, आप मुझसे बात ही मत करना। अंजलि, अंजलि, गोली बेटा एक मुझे भी देना। नहीं बाबा। अरे गोली, तुम्हारा लंच बॉक्स? गोली, लंच बॉक्स घर में खाओगे तो स्कूल में क्या खाओगे? ओमा, तुम इतना गोली पे गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकती। और गोली, खबरदार, अगर बड़े होने के बाद अपने पत्नी को उल्टा सीधा कहा तो तुम्हें सीधा कर दूंगी, समझे? अरे पर मम्मी, मुझे मना क्यों ने दो? चलो कोमल, मान भी जाओ ना, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा होकर नहीं रह सकते। मान लो कि तुम गुलाब जामुन हो तो मैं चाशनी, तुम ढोकला हो तो मैं चटनी, तुम पाव हो तो मैं भाजी, तुम खीर हो तो मैं तो तुम नींबू हो। खीर में नींबू, ये मम्मी कैसा कॉम्बिनेशन है? ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन है बेटे। कल रात तुम सब मर्द अपने बीवियों के तारीफों के पुल बांध रहे थे ना? कुमार, छोड़ो कल की बातें। कल की बात बुरा नहीं, हम लोग मिलके लिखेंगे नई कहानी। देखो कोमल, कल वैलेंटाइन डे है और मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर विद म्यूजिक का इंतजाम किया। रियली? अरे हाँ कोमल, तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर क्या, मैं तो कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट, कैंडल लाइट लंच भी कर सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले? कैंडल लेने। और तुम तब तक कल के खाने की तैयारी भी कर लो। क्या कैंडल लाइट डिनर घर पर? तुम्हें तो पता ही है, जब हम होटल में बाहर खाना खाने जाते हैं तो घर वापस आते आते मुझे भूख लग जाती है, इससे अच्छा वैलेंटाइन डे घर पे ही मनाते हैं ना। हाँ। ओए रोशन, मेरी जान, मेरी सोनी है, पता है कल पूरी रात बालकनी में सिर्फ तुझे ही याद कर रहा था यार। याद कर रहा था कि मुझे कोस रहा था? अरे नहीं नहीं रोशन, अच्छा तू मुझे एक बात बता, वैलेंटाइन डे पे तू जो बोलेगी ना मैं वही करूंगा। ओए तू कहे तो अपने हाथ पे टैटू लिखवा दूं और बड़े प्यार से मैं लिखवाऊंगा, रोशन तुझे ग्रेट हो, आई लव यू रोशन। रोशन तू एकदम मैच है, तू एकदम खेलो जे खेलो। ओए हां हां, तेरे प्यार में गेलो छू गेलो छू गेलो छू। चल चल सिद्धो बोरिनी। ओए रोशन तू यार गल्ला छाड़ी यार, बोल रोशन कल फिर वैलेंटाइन डे पे क्या करना है? अच्छा तो कल हम लोग मूवी देखने जाएंगे। ओ मंजूर है। शॉपिंग पे जाएंगे? ओ वो भी मंजूर है। उसके बाद डिनर पे भी जाएंगे? ओ बिल्कुल मंजूर ही मंजूर है। मेरे मम्मा पापा के घर जाएंगे। ओए पापा, ओए वो भी मंजूर है मेरी सोनी है, अब तो मान जा। थैंक यू रोशन, आई जस्ट लव यू। यस, ओए खुशी के मौके में किसका फोन आया? किशोर भाई। हाँ किशोर भाई, हाँ बस, अरे आपकी गड्डी आज नहीं दे सकता, कल पक्का दे दूंगा। सॉरी किशोर भाई, कल नहीं, कल तो मेरा गैराज बंद है यार, और परसों पक्का दे दूंगा। नहीं किशोर भाई, सुनो, अरे सुनिए तो। अच्छा किशोर भाई, आपकी गड्डी कल ही दे दूंगा। अच्छा नमस्कार। सॉरी रोशन, वो किशोर भाई अपनी बहुत पुरानी पार्टी है तो उनकी गड्डी ना कल देना बहुत जरूरी है। पर रोशन, हमने आज जो प्लान अभी अभी बनाया है ना, वो जैसे तूने कहा हम वो सब करेंगे, लेकिन कल की बजाय परसों। ठीक है रोशन? ठीक है। यस मेरी जान, आई लव यू लव यू लव यू। तो परसों तू अकेले ही जाना। ओए पापा जी, ओए रब्बा, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ की गड्डी का एक टायर लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा टायर राइट जा रहा है, और पुत्र जी क्या करूं? ओए पापा, आपकी गड्डी गई पानी में। ओए चुप। क्या है ये? बबीता, वैलेंटाइन डे के लिए मैंने मूवी के दो टिकट खरीदे। अच्छा अच्छा, कॉर्नर सीट्स है? हाँ। दो अलग अलग कॉर्नर्स के हैं? नहीं,
तो मैं फिर तुम्हारे साथ मूवी के लिए नहीं जाने वाली हूँ। अरे 400 का एक टिकट है। तो मुझसे पूछ के टिकट लाए थे तुम? लगा ने सच ही कहा है, और तो कोई अक्कल होती ही नहीं है। What? बबीता, अरे दया चाय ला जल्दी। और मेरा टिफिन बॉक्स भी। नहीं माँ नहीं, अरे माँ इतनी बड़ी बात बचपन से लेके आज तक तूने मुझसे छुपाई क्यों? अरे और कौन सी बात? यही कि मुझ में दिमाग नहीं है, ये बात। और कौन कहेगा? हाँ हाँ, अक्कल खोट नहीं कहा है। एक मिनट माँ, फोन तुम चालू रखो, देती हूँ। हाँ लीजिए अक्कल खोट, माँ ने आपका नया नाम रखा है, अक्कल खोट। अरे लीजिए बात कीजिए, फोन चालू है। हेलो, फोन काट दिया माने। कोई बात नहीं, मैं फिर से। अरे भाई छोड़ ना, बाद में बात कर लूंगा, तो चाय लाना जल्दी। अरे खड़े क्या, चाय ला। आज तक मैं यहाँ चाय बनाती थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरे में दिमाग नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरे पास दिमाग नहीं है। अब बिना दिमाग के चाय कैसे बनती है वो मैं नहीं जानती, इसलिए मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही रूट गई है, कैसे मनाऊं? दया कल वैलेंटाइन डे है। क्या गिफ्ट चाहिए तुमको? ओ कल क्योंकि वही तो नहीं है ना मेरे पास। बस अबे क्या अक्कल नहीं है, दिमाग नहीं है, अक्कल खोट, क्या है सब? मैं कब से तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, उपकार कर रहे हो आप मुझ पर प्यार से बात करके? अरे इसमें उपकार कहाँ से आया था यार? तो उपकार नहीं तो मेहरबानी। हाँ आप जिस तरह अभी बोले ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाप रे, मम्मी पापा के बीच में नोकझोंक तो बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा में नोकझोंक तो बढ़ती जा रही है। हाँ मेरे आई बाबा के बीच में भी बहुत कुतूहल हो रही है। मेरे घर में भी यही हालत है और मुझे नहीं लगता कि मेरे घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तब वो क्या करे जैसे हमारा आई बाबा के बीच में झगड़े ना हो। डोंट वरी फ्रेंड्स, इसके बारे में हम स्कूल से आने के बाद सोचेंगे। ओके ओके चलो। डंडू काका गोडाउन में आइए। मैं आ गया, बोलिए। डंडू काका ये क्या है? लगता है आपको नजदीक के नंबर आए हैं। कोई बात नहीं, अभी इससे काम चलाइए, बाद में नया बनवा के देता हूँ। मैं चश्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिसाब की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्रॉफिट हर महीना कम ही होता जा रहा है। दिसंबर में 5 लाख, जनवरी में 3 लाख, फरवरी में 2 लाख, इस तरह चलता रहा तो मार्च में 1 लाख और अप्रैल में तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कैसे दुकान बंद करने की बारी आएगी, मैं बैठा हूँ ना। आपके बैठने से कुछ नहीं होगा, धंधा बढ़े ऐसा कुछ करो। आइडिया सेठ जी, एक नई स्कीम। दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा देते, उसमें लिखेंगे कि टीवी आज खरीदो, पैसे आपके पोते से वसूल किए जाएंगे। एक मिनट, मतलब ग्राहक दुकान में आया, करेक्ट, उसको टीवी फ्री में देने का, राइट, और उसके पैसे 50 साल बाद उसके पोते से वसूल करने के। आइडिया आप समझे नहीं, पैसे तो ग्राहक से ही लेने के। कैसे? उसको बोलो ये टीवी फ्री लेके जाइए, मगर उससे पहले आपके दादाजी का जो बिल बाकी है वो भरिए, बाद में टीवी लेके जाइए।
बस बस नटू काका बस कीजिए, इससे ज्यादा दर्द मेरा सर सहन नहीं कर सकता। ऐसी स्कीम हम चालू करेंगे तो मेरे पोते रस्ते पर आ जाएंगे। नॉनसेंस, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा नटू काका। टप्पू कुछ सोचा जिससे हमारे मम्मी पापा का सेटलमेंट हो जाए? हाँ एक आइडिया है, हम मम्मी पापा को बोलते हैं कि जब तक वो बात नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। ए सोनू, तू मैं मम्मी पापा करे और भूखे हम रहे? नहीं सोनू, ये आइडिया नहीं चलेगा, इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए। आइडिया मिल गया। क्या? क्या? ऐसा वैलेंटाइन डे किसी ने नहीं मनाया होगा। हाँ टप्पू, हम नोटिस बोर्ड पे इनविटेशन लिख देते हैं। पर टप्पू का नाम पढ़कर पापा नोटिस बोर्ड ही नहीं पढ़ेंगे और नोटिस बोर्ड में से नोटिस भी पोच देंगे। अब क्या करें टप्पू? अरे बच्चा आगे स्कूल से। हाँ दादाजी, अब सही वक्त पे आयो। क्या क्या हुआ दादाजी? बात ये है कि वाह टपुड़ा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपस में प्यार बढ़ाने की बात है। वो तुम्हारा वो वैलेंटाइन डे मनाने का है? अरे तुम लोग फिक्र मत करो, नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम लिखो, सब आएंगे। दादाजी का नाम सुनकर सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। हाँ बाय ऑर्डर श्री चंपकलाल गड़ा। प्यारे गोकुलधाम वासियों, स्पेशली गोकुलधाम के अंकल आंटियों को गोकुलधाम सोसाइटी में आपकी प्यारी टप्पू सेना द्वारा आयोजित गोकुलधाम सार्वजनिक वैलेंटाइन डे महाउत्सव में हंसते हुए सज धज कर तैयार होकर आने का प्यार भरा आमंत्रण। और ये महाउत्सव पूरा दिन चलेगा। डेट 14 फरवरी 2010, टाइम 9 बजे, लंच टाइम 1 बजे, वेन्यू सोसाइटी कंपाउंड, बाय ऑर्डर श्री चंपकलाल गड़ा। चाचा जी ये सब क्या लिखा है? क्यों शिक्षक, पढ़ के भी समझ में नहीं है? नहीं समझ में आ गया मेरे, लेकिन ऐसे कैसे? अरे ऐसे वैसे कैसे भी सब हो जाएगा, तू वक्त पे पहुंच जाना है। चलो टप्पू सेना, हमें कल के प्रोग्राम की तैयारी करनी है ना। अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो, अरे ये तो सरासर दादाजी गिरी है। अरे ऐसे कैसे कोई महाउत्सव में आएगा? एक तो सबके घर में टेंशन चला है, सबकी वाइफ रूठी हुई है, पता नहीं आगे क्या हंगामा होने वाला है। बबीता, सोसाइटी में टप्पू सेना ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का फुल डे प्रोग्राम रखा है। बबीता, क्या कर रहे हो यार? सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मेरी बात सुनो। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी में सार्वजनिक वैलेंटाइन डे का फुल डे फंक्शन? Exactly, अंजलि, you are too intelligent. बिल्कुल, नोटिस बोर्ड पे टप्पू ने यही लिखा है, वैलेंटाइन डे का फुल डे सार्वजनिक फंक्शन, and that too with the order of Mr. चंपकलाल गड़ा। ओके। ओके मतलब क्या अंजलि, तुम्हारा जवाब क्या समझूं मैं? शादी के इतने साल बाद भी आप ये नहीं जान पाए कि ऐसी सिचुएशन में मिसेस अंजलि मेहता का जवाब क्या होगा? अरे फिर तो मैं बिल्कुल समझ गया, ऐसी सिचुएशन में हमारी श्रीमती जी का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। माधवी माधवी प्लीज नहीं। जो पति अपने पति को मूर्ख समझे, उसकी इज्जत न करे, ऐसे पति के साथ मुझे वैलेंटाइन डे मनाने का कोई शौक नहीं है। माधवी एक मिनट। अरे शौक तो मुझे भी नहीं है माधवी, और वैसे भी वैलेंटाइन डे हमारा कल्चर कहाँ है? अरे हमारे जमाने में कहाँ हुआ करता था वैलेंटाइन डे, वो तो चंपक चाचा ने नोटिस बोर्ड पर नोटिस का ऑर्डर लिखा है, अगर नहीं गए तो कान पकड़ कर लेके जाएंगे। आपके ही कान पकड़ेंगे ना। माधवी क्यों नादान बन रही हो तुम? अच्छा
आप अभी भी मानते हो कि मैं नादान हूँ? देवा देवा, मैं एक बार स्कूल के सारे बच्चों को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन पत्नी को नहीं। प्लीज मान जाओ ना प्लीज। ठीक है, चंपक चाचा का ऑर्डर है, सिर्फ इसलिए मैं हाँ बोल रही हूँ। ओ बल्ले बल्ले, मेरी सोनी मेरी रोशन मान गई। ओए साथ में बढ़िया सी पार्टी शार्टी होगी रोशन। ओ खुदाई जी, ये कब सुधरेगा? रोशन सेलिब्रेशन दिन में है, रात को नहीं। ओए सुबह हो या रात हो, पार्टी तो पार्टी होती है बल्ले बल्ले। लेकिन ये पार्टी टप्पू सेना ने रखी है। ओ हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया, फिर तो वहाँ पे सिर्फ पानी और कोल्ड ड्रिंक ही होगा। ओ कोई बात नहीं, हम इसको भी बढ़िया पार्टी शार्टी बना लेंगे मेरी जान रोशन। ओ हाँ रोशन, तू मेरा वो फर्स्ट क्लास ना जो बढ़िया सा सूट मेरे पे जमता है वो वाला निकाल देना। कौन सा सूट पहनोगे? कोमल, मेरे पास तो तीन ही सूट है ना, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू, उसमें से कोई भी एक पहन लूंगा कोमल। तीनों फिटिंग में है तुम्हारे? क्यों, सूट की फिटिंग छोटी पड़ गई? हाँ, सूट की फिटिंग छोटी नहीं हो गई, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। पूरे साल में गोली की जितनी इंच हाइट नहीं बढ़ती ना, उससे ज्यादा इंच तुम्हारी कमर बढ़ती है। कोमल, सब नसीब नसीब का खेल है, अब मेरे नसीब में जो है वो तो होके रहेगा ना। हंस, तुम अपनी गलती का दोष नसीब को मत दो। कोमल, वो सब मुझे नहीं पता, मेरे सूट का कुछ करो। नहीं नहीं नहीं, मैं वेलेंटाइन डे में नहीं आ सकती, मतलब नहीं आ सकती। अरे लेकिन क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है ना। दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, घर का दिमाग खा गए। तो नहीं आएगी? नहीं। पक्का नहीं आएगी? हरगिज नहीं। ठीक है। अरे बापूजी, अरे पति पत्नी के झगड़े में बापूजी को क्यों बीच में लाते हैं? क्योंकि बापूजी ने कहा है कि सभी का वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम में आना है, तभी तो ना बोल रही है। तो बापूजी को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई दया नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। मैंने कब कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ? अच्छा, अब बताए तो सही, कल सुबह का क्या प्रोग्राम है? नहीं बता सकता। क्यों बोला? क्योंकि मुझे भी नहीं पता टप्पू सेना ने कल वैलेंटाइन डे का क्या प्रोग्राम रखा है। हमेशा बीड़ा अंकल मुझ पे गुस्सा करते थे ना, लेकिन आज मुझ पे खुश हो जाएंगे। हाँ शायद, शायद नहीं, 100% बाबा बहुत खुश होंगे, क्योंकि टप्पू ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हमारे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे ये सरप्राइज देखकर, है ना? हाँ हाँ। एक गोगी, तूने अपने मम्मी पापा को बता तो नहीं ना? हाँ नहीं, सुबह को तो नहीं बोला, मतलब रात को बता दिया। अरे गोगी, तू भी डरा देता है। Come on friends, चलो। हो 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 हो। अरे क्या है, क्या ये सब तैयारी? कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि किसी को नहीं मालूम है। क्या है भाई, क्या तैयारी हो रही है? कुछ पता नहीं मजा साहब, ऐसा लग रहा है कोई चोर है यार। लेकिन ये है क्या? हाँ बता दे। पर हो क्या रहा है आज साहब, अभी कुछ तो बताइए। अंजलि बाबी, ये क्या है, क्या लगता है आपको? लेकिन जेठालाल यार, आखिर ये चीज क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम्हें तो पता होगा, बताओ यार क्या है? नहीं नहीं मजा साहब, मुझे भी कुछ नहीं पता है। जेठा प्रा की है यार, कुछ तो दसो। सॉरी साहब, यही बात मैंने अभी हिंदी में पूछी थी। ओ मेहता साहब, जवाब नहीं मिला तो मैंने कहा पंजाबी में पूछ लेता हूँ। और कोई भाषा आती हो तो उसमें भी पूछो। का एग्जैक्टली पढ़ दिया आगे? अरे अरे कसम, मला कसम माहिती पडणार भाई, पूछ रहा हूँ जनरली ऐसे ही। अरे जेठा भाई, आज के प्रोग्राम का मेनू क्या है?
आते भाई कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला इधर क्या हो रहा है। जेठालाल ये तो अजीब सस्पेंस है, किस तरह का प्रोग्राम है ये भाई? नहीं नहीं पता भाई। जेठालाल तुमको तो मालूम होगा ना क्या प्रोग्राम है। यार भाई क्या क्या प्रॉब्लम क्या आपका कान बंद है क्या? मैं कम से कम 5 बार बोला भाई नहीं पता नहीं पता, फिर भी आप पूछ रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं मेरा? सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं और किसी को पता नहीं। जेठिया अरे चाचा जी आगे जरा सुनो उनकी बात। अरे तुम सब लोग खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो, चलो सब लोग जोड़ी बना के लाइन में खड़े हो जाओ। बाबूजी जोड़ी में मतलब पति पत्नी? ए बाबूचा तो और कौन सी जोड़ी? ठीक है बाबूजी, और फिर जोड़ी में खड़े होने के बाद फिर क्या? अरे भाई बोला उतना करना, पहले सब लोग जोड़ियों में लाइन में खड़े हो जाओ फिर बताता हूँ। बारी बारी सब पूछ रहे हैं क्या है क्या, इसलिए पूछ रहा हूँ बाबू जी बाकी को क्या। थोड़ा सा जिज्ञासा ज्यादा हो रही है, आखिर है क्या चाचा जी? एक तो आज वो वैलेंटाइन डे है, उसमें सब फूलों की सजावट है, कुछ ऐसा मंडप को पता क्या ढक्का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अरे खड़े हो जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। अरे चाचा जी जिसकी जोड़ी नहीं है वो क्या करेगा? अरे वो कैंसिल। हाँ कैंसिल कैंसिल करेक्ट है। हाँ कैंसिल कैंसिल। हाँ भाई तू जा वापस घर पे चद्दर ओढ़ के सो जा। क्या जेठालाल क्योंकि तेरे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है, वेल इन टाइम स्लीपिंग डे। अरे अरे शांति रखो शांत हो जाओ। अरे भाई जो जोड़ी में नहीं है वो अकेले खड़े हो जाओ। हाँ वो ठीक है, थैंक यू चाचा जी। देखा चलो 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 अंजलि जोड़ी में खड़े हो जाओ। चलो आओ भाई आओ अंजलि आओ जोड़ी अंजलि आ गए बापू जी जोड़ी में। अभी आपके ऑर्डर के मुताबिक हम लोग आ गए सब, अभी बताइए क्या है क्या ये सब। आइए पंडित जी। पंडित जी आपको भी पंडित जी पंडित जी। अरे भाई भिड़े भैया भाभी। अरे एक मिनट क्या कुछ एप्लीकेशन या कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं मुझे। तो उसमें लिखा होगा कि क्या नहीं, मैं भिड़े को बोल रहा था कि ओ परमिशन सोसाइटी का कुछ ना कुछ। अरे चल पवित्र पवित्र क्या मालूम, तुम्हें नहीं पूछा मैंने। सवाय व्यंतर सुचि ओम स्वस्ति नाय प्रसाद सुविधा स्वस्ति न सबको सबको करना है ठीक है, आएगा इधर भी आएगा। अभी अरे पर कुछ त्योहार तो नहीं जो अपन भूल गए? वो है ना वैलेंटाइन डे त्योहार यार, उसमें तिलक हो। आज तो इनको सबक सिखाना। रोशन तेनू मालूम है टिक्का क्यों लगाया? लेकिन मैं तुझे क्यों बताऊं, नहीं मालूम आगमन नहीं। ये 14 फरवरी है ना आज? हाँ कोमल मुझे वो पेड़ा नहीं दिया। माधवी भाभी इनसे कहो मुझसे बात नहीं करे। आती भाई क्यों? पंडित जी यहाँ आइए, अब हम लोगों को भी टीका लगा दीजिए। अरे आप वो तो मैंने भाई, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया उनको तो लगाओ टीका। सर्वे देवा शांति सुशांतिर्भवतु 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 यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषभे अशांति वनस्पति अशांति। चाचा जी पंडित जी ने बहुत बढ़िया शांति मंत्र सुना दिए, लेकिन हमारे मन की जिज्ञासा तो शांत कीजिए, क्या ये वैलेंटाइन डे के दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पंडित जी हैं कोई, ये पर्दा है इसके पीछे क्या, कुछ बताओ तो सही आप। अब इतना भी मत कीजिए चाचा जी, बता भी दीजिए क्या है सब। समझ में नहीं आ रहा बाबू। अरे शांति रखो शांति रखो, अभी पता चल जाएगा। टप्पो बता दे सबको कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है। जी दादाजी।
पहले कर ये बैठा कोई नहीं यह कौन बैठा हाँ कौन ये कौन है ये कहां से प्रकट हुए बेटालाल अरे देखो यार इतना अबे चल निर्विकार ये तो कोई मूर्ति लगती है लेकिन क्या बढ़िया मूर्ति एकदम रियल लगती है नहीं अरे मूर्ति नहीं है हाँ तो रियल है रियल रियल महाराज जिंदा महाराज है हाँ हाँ आदमी है भाई आदमी है ये अरे ये तो हवन का प्रोग्राम लग रहा है हाँ हाँ मम्मी अरे वाह दया तुझे कैसे पता चला मुझे क्या पता हाँ पर वैलेंटाइन से में तो पार्टी होती है ये हवन क्यों हवन हवन हाँ चाचा जी आखिर समझाइए भाई ये क्या सस्पेंस है पहले तो पर्दा ढका हुआ फिर अंदर ये महाराज ऐसे बैठे हैं चौकियां हवन सामग्री कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा बताइए ना है क्या ये सब दसो ना यार चाचा जी बापू जी वो तुम सबको टप्पू बताएगा है? ये भी टप्पू बताएगा हमारे मम्मी पापा दो दिन से लड़ रहे उनके बीच नोकझोंक ना हो सारे टेंशन दूर हो जाए इसीलिए हमने शांति हवन रखा है शांति हवन बहुत अच्छा टप्पू बहुत अच्छा वाह टप्पू वाह चलो हवन के माध्यम से अगर शांति हो तो अच्छा है लेकिन ये हवन करवाने वाले महाराज तो लगता है सो गए हाँ महाराज ओ महाराज रहने दे अभी मच्छरदानी उठ गई है ना दो तीन मच्छर काटेंगे तो अपने आप उठ जाएंगे ओ तो लगता है बहुत गहरी नींद में है भाई मच्छर से भी नहीं उठेंगे महाराज ओ ओ महाराज महाराज ओ महाराज बोलो बोलो जेठा भाई सब कुछ सुन रहा हूँ कुछ जानते हैं हम सो नहीं रहे थे हम ध्यान में मग्न थे और जेठा भाई मेहता साहब अय्यर साहब वणक्कम पोपट भाई नमस्ते और भिड़े साहब आपको पहचानते हैं नहीं और सूड़ी भाई पंडित जी नमस्ते डॉक्टर हाथी अरे जेठालाल ये तो सबको जानते हैं लगता है यार कोई बहुत चमत्कारी अंतर्यामी बाबा हैं हम अंतर्यामी नहीं हैं हमें टप्पू सेना ने सब कुछ बता दिया है गोकुल धाम के बारे में एक सेकंड के लिए सच है ऐसा लगा क्या ध्यान का तुरंत ऐसा एकदम वो दिया आपने आइए सारे यजमान अपना स्थान ग्रहण कीजिए वो आज ग्रहण है ये भाई ये छोड़ी स्थान ग्रहण कीजिए मतलब जगह पर बैठिए ओह चाचा जी ओ चलो आप ही सब ग्रहण करो जी आइए बबीता तुम इधर बैठ जाओ मैं उधर बैठ जाता हूँ क्यों अय्यर भाई हवन के समय पत्नी हमेशा पति के दाएं ओर ही बैठती है आप बैठ जाइए और रिवाज थोड़ा बदल सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग इस शुभ कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं गोकुल धाम गोकुल नगरी से निकला हुआ एक नाम
भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि, जहां पर प्रेम भक्ति और सत्कार ऐसे अगणित गुणों का भंडार है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम मनुष्य के भीतर छिपी हुई इच्छाएं जो शब्दों द्वारा व्यक्त हो जाती है। वाह, एकदम बराबर बोल रहे हैं पंडित जी। प्रेम बोलो। प्रेम प्रेम को प्रेम से बोलो बहन। प्रेम 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 प्रेम। हाथ ऊपर करके बोलो प्रेम 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 प्रेम। दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव तो होते रहते हैं। परंतु यही मन मुटाव कलह के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पंडित जी, एक कला क्या होता है? जो अभी हम सब के बीच में है। सॉरी सॉरी, कला मतलब क्लेश। और क्लेश क्या होता है? क्लेश मतलब झगड़ा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, उसे कलह कहते हैं। विवाह क्या है? एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारा संस्कार है। पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को क्या कहते हैं जानते हैं? जैसे दिया और बाती, जैसे शिवजी और पार्वती। पति पत्नी का प्रेम एक भूल गए। प्रेम बोलो भाई। प्रेम 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 प्रेम। हाथ ऊंचे कर बोलो प्रेम प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। प्रेम बोलो भाई प्रेम। शांति शांति। यहाँ पर उपस्थित सभी पति पत्नियों से हम एक वचन दिलाते हैं कि एक दूसरे के प्रति हम संभाव रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब भी कोई वाद विवाद हो आपस में तो समझौता कर लेंगे। इससे स्नेह और प्रेम और बढ़ेगा। प्रेम बोलो भाई प्रेम। प्रेम प्रेम से बोलो प्रेम। प्रेम प्रेम से बोलो प्रेम। प्रेम। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप लोगों में प्रेम की लहर बस चुकी है। अब सभी लोग आप लोगों के सामने जो पुष्प माला है उसे उठा लीजिए। माधवी भाभी। हाँ माता जी, आनंद आ गया। रोशन आ जा। अब एक दूसरे के गले में पुष्प माला डाल दीजिए।
पंडित जी हमारा जमाना याद आ गया 12 साल पहले। कितना मनोरम दृश्य है, सभी दाम्पत्य जीवन फूलों से भरे हैं। आप लोग जानते हैं इस हवन का उद्देश्य क्या है? नहीं। कि एक दूसरे में प्रेम उत्पन्न हो। और गोकुल धाम में शांति बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और पंडित जी इस हवन का हेतु ये भी हो कि सोसाइटी में शिस्त बनी रहे और सोसाइटी के सारे लोग हमेशा नियमों का पालन करें। और हाँ पंडित जी, मेरे दोस्त पोपट का ये कैंसल बोलना भी बंद हो जाए। क्या सोड़ी? अरे सभी पुरुष मान मर्यादा में रहे, उसके लिए भी। रोशन भाभी, आप छोटी साहब की पार्टी शार्टी बंद कराने के लिए तो कुछ नहीं मांग रही। और वक्त पे पेट भर के खाना मिलता रहे। और मेरे पापड़ अचार का बिजनेस दुनिया भर में फैले। पंडित जी आप भवन शुरू कीजिए। हाँ हाँ, अब हवन प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी का स्मरण करेंगे। ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो मम याहं जानि गर्भधम्मः, त्वं जासि गर्भधम्मः, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद्यपंकजम्। एक बार दिल से बोले प्रेम 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 प्रेम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं सीधा लाइव हूं गोकुल धाम सोसाइटी से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी कभी भी कोई भी बात कोई भी त्योहार आम ढंग से नहीं मनाया जाता, तो इस बार भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों ने उसे एक अनूठे ढंग से मनाने की सोची। जी हाँ, पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का अनूठा मिश्रण आपको आज यहाँ देखने को मिलेगा। वैलेंटाइंस डे को मना है एक खास ढंग से और आयोजित किया है एक हवन। तो आइए मिलते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों से और जानते हैं कि वो इस हवन में क्या क्या करने वाले हैं। आइए। स्वाहा 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 स्वाहा। तो दर्शकों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत ही धूमधाम के साथ ये हवन किया जा रहा है। देखिए सब, तू भी आजा हवन में बैठ जा, जीवन में शांति मिलेगी। जी चाचा जी। अभी हवन समापन की ओर है पंडित जी। पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमर्जित्यते, पूर्णाद पूर्ण साक्षाय पूर्ण विष्णुय पूर्ण विष्णुं पूर्ण ब्रह्माश्च पूर्ण व्यवस्था पूर्ण हवन माघ्यश्च उवराध्यम ओम गायत्री उमराध्यम ओम गायत्री शीतलाध्यम ओम फट स्वाहा। पूर्णमिदं चम पूर्णादि पूर्णाहुति ओम स्वाहा। ए
इस तरह पति पत्नी के बीच के झगड़ों को समाप्त करने के लिए जो यह हवन रखा गया था वो समाप्त हुआ। क्या बात है। तो महाराज अभी ये हवन किया तो लाइफ टाइम अभी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा लफड़ा होगा नहीं ना। पगले, यदि मनुष्य को भूख लगती है तो क्या एक बार खाने से उसके जीवन भर की भूख मिट जाती है? इसी तरह अगर प्रेम पूर्वक जीवन बिताना है तो पारिवारिक जीवन में रोज प्रेम के बीज बोने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक दिन वो प्रेम पूर्वक बीज पेड़ का रूप धारण करता है और उसमें फल उगते हैं। उसी फल को जीवन भर प्रेम पूर्वक खाते रहिए तो उस पेड़ की उत्पत्ति के लिए हम आज ही से प्रेम का बीज बोना शुरू कर दें। तो बोलो प्रेम, प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम, झूम झूम कर बोलो प्रेम, झूम झूम कर बोलेंगे प्रेम, झूम झूम नहीं बोलना है, झूम झूम के नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है, फक्त प्रेम, केवल प्रेम बोलो भाई प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम 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 प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, अरे प्रेम बोलो भाई प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम। देखा, हमारा प्लान सक्सेस हो गया, मम्मी पापा का झगड़ा बंद हो गया। अरे पंडित जी कहाँ है भाई? महाराज किधर चले गए? अचानक अंतर ध्यान कहाँ उड़ गए? लगता है अपनी मच्छरदानी में वापस चले गए। कोई बात नहीं, हम चालू रखते हैं। बोलो प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम।